रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व रविवार को बाजारों में रौनक दिखाई दी। रक्षाबंधन त्योहार और रविवार का अवकाश होने के कारण बाजारों में पूरा दिन अच्छी भीड़ लगी रही। बाजारों में कपड़े, कॉस्मेटिक, चूड़ियों व विशेषकर राखियों की दुकानों पर भीड़ नजर आई। बाजारों में सुबह से शुरू हुआ भीड़ का सिलसिला शाम 5 बजे तक बना रहा। वहीं दुकानदारों की माने तो ग्राहकी पिछले 2 दिनों से है, पर पहले की तुलना में इस बार व्यापार आधा ही हो रहा है। कोरोना महामारी में देश भर में लोगों को काफी प्रभावित किया है। इसका सबसे ज्यादा असर विभिन्न व्यापारों पर पड़ा है। कोरोना महामारी ने इतना कहर बरपा रखा है कि अब त्योहारों के चलते बाजारों में रौनक तो नजर आती है, लेकिन विभिन्न व्यापारों में 70 से 80% की गिरावट आई है। अमूमन रक्षाबंधन के पर्व पर एक दिन पूर्व बाड़मेर के बाजारों में राखियां, मिठाइयां, नारियल आदि की जमकर खरीदारी होती है और बाजार गुलजार नजर आते हैं। लेकिन इस बार रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व बाड़मेर के बाजारों में रौनक नजर आई, लेकिन उतनी गिरावट नहीं जितनी बीते वर्षों में रक्षाबंधन के पर्व को लेकर देखने को मिली थी। रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व बाड़मेर के बाजारों में अच्छी खासी भीड़ नजर आई। मास्क पहने महिलाएं युवतियां अपने भाइयों के लिए राखी एवं पूजा सामग्री की खरीदारी करती नजर आई। वहीं अत्यधिक भीड़ तो कहीं राखी विक्रेता ग्राहकों का इंतजार करते नजर आए। वहीं बाड़मेर की दुकानों पर मिठाई की खरीद के लिए महिला एवं पुरुषों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई और बाजारों में भी काफ़ी चहल पहल बनी रही। लेकिन व्यापारियों की माने तो बाजारों में जितनी भीड़ है उतनी ग्राहकी नहीं। मिठाई विक्रेताओं के अनुसार अमूमन रक्षाबंधन पर्व पर होने वाली ग्राहकी की अपेक्षा इस बार 60% की भारी गिरावट आई है। वहीं राखी विक्रेता भी आधे से अधिक माल रह जाने से मायूस नजर आ रहे हैं। राखी विक्रेताओं के अनुसार राखियों की खरीद में भी 50% की कमी आई है। उनके द्वारा मंगवाई गई राखियों का स्टॉक अभी ज्यों का त्यों पड़ा है। सदर बाजार स्थित एक नारियल के व्यापारी ने बताया कि प्रतिवर्ष वह करीब 500 बोरी नारियल की बिक्री करता है, लेकिन इस बार 25% ही नारियल बिक पाए हैं। जैसे गिराकी भी कम है और अभी कोरोना के हिसाब से बाजार में गिराक भी आवागमन बहुत कम है। हमारे चारों तरफ लकड़ियों का लॉकडाउन लगा हुआ है, इसलिए लेडीज गिराक बाजार में आने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं। और अगले साल से 25% गिराकी है। जैसे 100 रुपये की गिराकी होती है, अभी 25 रुपये गिराकी हो रही है कंडीशन है बाजार की। तो आपका काय का व्यापार है क्या? पानी का नारे ले, प्रसादी का है, पानी का नारे ले, ये नारे गोटा खोपरा। तो हर बार कितने नारियल निकल जाते हैं और आज क्या कंडीशन? हर बार अगर 100 बोरी निकलती है, इस बार 25 बोरी भी नहीं निकले हमारे। इस बार गिराकी पहले से कम 40 गुना कम है। और पिछले 5 दिनों से काउंटर है और 5 दिनों के बाद में जो आज की गिराकी है उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। और पिछला जो रोटेशन चलता था उससे कई गुना कम है। आपकी बार पहली बार में जब हम 1-2 लाख का माल बेचते थे, अब ये 40,000 की सेल है। बस यही है और कुछ नहीं। रक्षाबंधन है और कोरोना है, इसके कारण थोड़ी मिठाई में बिक्री में करीब 50-60% गिराकी है और कुछ समय भी कम है, तो थोड़ा कम ही रहेगा इस बार। माहौल थोड़ा कम रहेगा क्योंकि बहनें अपने भाइयों से मिलने बाहर जा नहीं सकती है, आ नहीं सकती है, उसमें थोड़ा फर्क पड़ रहा है। तो सर, जो मिठाइयों की बिक्री है उसमें कितना फर्क पड़ा है और आज क्या हालात है गिराकी का? मिठाइयों की बिक्री में करीब अभी जो गिराकी है करीब 60% के लगभग हम मान रहे हैं इतनी। तो अमूमन दिनों की अपेक्षा आज अच्छा है कुछ? अमूमन दिनों से मतलब यूँ तो आज अच्छा है, लेकिन पिछले साल से तो बहुत ज़्यादा कम है। एक दिन राखी के पर्व से एक दिन पहले मिठाइयाँ ले जाना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो दूसरे दिन निकल जाते हैं राखी बांधने, तो उस हिसाब से आज ज़्यादा रहता है राखी। के आगे कोरोना से बचाव के लिए थोड़ी दूरी बनी रहे, ग्राहकों से भी दूरी बनी रहे, काउंटर से भी ग्राहक की दूरी बनी रहे, इस हिसाब से ये लोहे के पाइप लगा के बैरिकेड बनाया है जिससे ग्राहक भी कुछ दूरी बना के खड़े रह सके और हमारे से भी दूरी हो जाए। कोरोना काल ने हर वर्ग को आर्थिक तंगी में डाल दिया है और लोगों की आमदनी में भारी गिरावट आने से अब त्योहारों के रंग भी फीके होने लगे हैं। महामारी के चलते जहां विभिन्न व्यापारिक मंदी से गुजर रहे हैं, वहीं आमदनी की कमी के चलते लोग अपना खर्चा भी कम करते नजर आ रहे हैं, जिसका सीधा असर बाजारों पर पड़ रहा है। और बाजारों में रौनक के बावजूद त्योहारों में भी विभिन्न व्यापार मंदे नजर आ रहे हैं।